हेलो हाय, भाई। पैसे लिए कि नहीं लिए सरोजिनी के लिए? अरे सरोजनी के लिए तो लिए ना, ऐसा 2-3 हज़ार रखा है। वैसे आपने लिए कि नहीं? क्यों, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ वो आई नो, बट चैलेंज से डर गए क्या? फर्स्ट टाइम है मालूम है, बट यू आर अ शॉपिंग एक्सपर्ट, तो चैलेंज तो करना पड़ेगा। डेफिनेटली जरूर करेंगे। चलो मोमेंट, आई आर एट सरोजनी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी वेरी फन चैलेंज वेयर आई विल बाय एन आउटफिट फॉर हर एंड आई विल बाय आउटफिट फॉर हर खिले। सो लेट्स सी व्हाट वी कम अप विद इन द स्मॉलेस्ट बजट पॉसिबल। हो सके तो हम 500 में ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो 1000। देखते हैं क्या क्या है आज के कलेक्शन में। मान गए मम्मी को, ड्रेस 850 का बोल रहे थे, मम्मी 300 में लेके आए। क्या बार्गेनिंग स्किल्स है, मतलब थोड़ा दे देते मेरे को बचपन से। कितना निकलता है आपका बच्चा बच्चा का? मेरा 600 से 700 निकलता है, इतना सेव किया है। जस्ट इन 2-3 शॉप शी सेव्ड दिस मच मनी। एक्चुअली हम दोनों साथ में ही थे सरोजिनी में शॉपिंग के लिए, सो एक्चुअली हम दोनों को पता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या लिया है। या मॉम के बिना अगर मैंने ये सब शॉपिंग किया होता ना, तो डेफिनेटली डबल पैसे खर्च करके आई होती। बट हमने पहन के तो नहीं देखे दोनों के दोनों आइटम्स, सो वो करने में भी मज़ा आएगा। तो वी शो यू व्हाट यू बॉट फॉर ईच अदर, यू गो फर्स्ट। सो मैंने हेली के लिए एक ब्लैक बेसिक टॉप लिया है, ₹100। मैं ब्लैक में जीती हूँ, लाइक मेरे वार्डरोब में ब्लैक कपड़ा ढूंढना हो ना तो सब निकालना पड़ता है, सो दैट इज स्पॉट ऑन। और ये मैंने डंगरी लिया है हेली के लिए, ये भी ₹100 में ही है। आई होप उसको लाइक फिटिंग इन सब कुछ अच्छा लगे। अच्छा है डंगरी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरे को फिटिंग का डाउट है कि शायद छोटा हो सकता है, लेकिन 100 रुपीज़ में आई कुड नॉट बिलीव। वहाँ पे ना एक अंकल थे जो 100 रुपये में डेनिम का सब बेच रहे थे, एंड मॉम की नज़र इस पर पड़ी एंड शी इज़ लाइक आई एम बाइंग दिस फॉर यू फॉर आर चैलेंज, एंड तब से आई हैव बीन वेटिंग टू ट्राई इट कि कैसा लगेगा। नाउ इट्स माई टर्न। मैंने मॉम के जितना तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इट इज़ अ डिफरेंट आउटफिट। तो मैंने मॉम के लिए टॉप में ये ब्लैक कलर लिया, बोथ ऑफ अस हैव बॉट अ ब्लैक टॉप फॉर ईच अदर। इट्स वेरी स्पार्कली, वेरी पार्टी वेयर टाइप, न्यू ईयर्स में काम आएगा। दिस वॉज फॉर अराउंड 100 रुपीज़। एंड उसके साथ पेयर करने के लिए आई बॉट हर दिस स्कर्ट। ये कलर देखते ही मुझे मालूम था कि ये मॉम के लिए लेना है, क्योंकि उनको हमेशा एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, यूनिक कलर्स पहनना पसंद है। तो एंड इवन द साइज़ ऐसा लग रहा है कि एकदम उनको परफेक्ट फिट आ जाएगा, बट ये स्कर्ट मुझे पड़ा था ₹250 का, एंड मॉम का तो पूरा आउटफिट ही मेरा 200 के अंदर आ गया। अभी आई थिंक पहन के ही मालूम पड़ेगा कि ये चैलेंज का विनर कौन है। हम अभी चेंज करके आए। सो नाउ इट्स रेटिंग टाइम। 10 में से मैं कुछ रेट देना चाहती हूँ। टॉप को मैं दूंगी 10 में से पूरे 10। स्कर्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, देन ऑल्सो आई प्रीफर 10 में से मैं 8 देना चाहती हूँ। क्यों, 2 मार्क्स क्यों काटे गए हैं मेरे, ज़रा बताना। बिकॉज ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा पार्टी वेयर है, सो दैट्स व्हाई मैंने पूरे मार्क्स इसको 10 बाय 10। इसकी फिटिंग भी बहुत कम्फर्टेबल है, ये भी कम्फर्टेबल है।
बट दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा सा पार्टी वे में नहीं डालूंगी आई थिंक मैं, सो दैट्स व्हाई मैं इसको मैं 10 में से 8 देना चाहती हूँ. I get it. And if I have to rate your outfit, तो मैं ये टॉप को 8 out of 10 दूंगी. Actually मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ऐसा मस्त क्रॉप है यहाँ से, but शोल्डर से ना थोड़ा टाइट आ रहा है मुझे, इसलिए फिटिंग के वजह से एक मार्क काटा. एंड ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट है तो उसके लिए एक और मार्क काटा. बट डंगरीज की बात करें तो ओ माई गॉड, 10 out of 10 फॉर श्योर, क्योंकि इसकी फिट कितनी अच्छी है, लाइक यहाँ से एकदम परफेक्ट है. एंड शॉर्ट्स वाला पार्ट भी ऐसे लूज है ना, तो पैर मोटे नहीं लग रहे, एकदम अच्छा लग रहा है पहन के. तो हम दोनों को एक्चुअली सेम मार्क्स दिए एक दूसरे को, 18 out of 20. तो अभी जज कौन करेंगे? आप जज करोगे. मॉम ऑलरेडी लता और नीला बेन को ब्राइब कर चुके हैं कि उनके वोट्स मम्मी को ही आने चाहिए, लेकिन आप ऑनेस्टली बताना कौन जीता हम दोनों में से, कि किसने बेटर आउटफिट चूज किया दूसरे जन के लिए. एंड अगर आपको ये वीडियो देखने में पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो जरूर कमेंट में हमें बताइए हम लोग और क्या देखना चाहते हैं. समथिंग कुछ और कुछ अलग देखना है, जैसे हम लोगों ने कपड़े के बारे में चैलेंजेस बहुत किए हैं, सो आपको अभी हम दोनों में नया चैलेंज क्या चाहिए समथिंग, वो जरूर हमें कमेंट में बताइए. मे बी मम्मी मुझे मास्टर शेफ चैलेंज दे सकती है कि ये इंग्रेडिएंट्स में से कुछ खाने लायक बना के दे, मे बी समथिंग लाइक दैट. आप अच्छे अच्छे आइडियाज बेटर देते हो, पर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन गुड बाय. Let's leave this place for another place.